मॉर्निंग वन एंड ऑल. टुडे आई हैव मेड अ लेक्चर ऑन द क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर MEG 1 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6. आई हैव डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर योर कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल टेल यू व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू फॉर MEG 1 एंड आई हैव डिस्कस इट विथ दिस ईयर वाइज. सो यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट वॉट इज कमिंग एंड वॉट कैन come for this year. So let's start. So first of all, I would like to tell you that for Chaucer's handling of the piece and nun tale, please have a strong control over that, the nun and priest tale. That is most important question and it will be coming because it has come for 2010, 11, 12, 15 and 16. तो मैं आपको ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे कहा कि ये प्लीज़ बना दीजिए, तो मैं आपको बना के बता रही हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन चौसर में इंपॉर्टेंट हैं या कौन सा भी यूनिट वन में या यूनिट टू में कितना आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे कि कौन सा पढ़ लिया जाए और कौन सा छोड़ दिया जाए. तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँगी कि अगर आपने उतना भी कर लिया तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे MEG को, MEG 1 का कोर्स आप यूनिट 1 का क्लियर कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे आप 2010, 11, 12, 15 और 16 में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए वो है डिस्कस चौसर्स हैंडलिंग ऑफ द फेबल इन द नन प्रीस्ट टेल. तो नन प्रीस्ट टेल में उन्होंने कैसे फेबल, मतलब के वो स्टोरीज जो कि किसी एनिमल बेस्ड या किसी उस पर किसी एनिमल को एज अ कैरेक्टर लेकर के एक्सप्रेस की जाती है और ज़्यादा डायडेक्टिक होती है. तो ये इनकी नन एंड प्रीस्ट टेल में एक टेल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप उसको, इसमें दो कोई एक नन है और एक हैन की या एक उसकी कॉक की कहानी है, तो उसकी उसके बारे में चॉन्टिलियर करके है कॉक है, उसके बारे में उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा. फिर ये है दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट यूज डज चौसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज. 2014-17 में क्वेश्चन आए हैं ये कि उन्होंने चौसर ने पिलग्रिमेज के जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या यूज़ किया है, क्या बताया उन्होंने, उसको एज अ मिरर टू द सोसाइटी लिया है और उस टाइम के लोगों के लिए एक रिफ्लेक्शन बना के प्रेजेंट किया है. नेम द 3 मेजर सोर्स ऑफ चौसर्स वोकैबुलरी, हाउ डज ईच सोर्स कंट्रीब्यूट टू हिज पोएट्री. टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम नेट और फ्रॉम योर हेल्प बुक्स. मेक अ नोट एंड देन स्टडी. तो क्या क्या है इसमें, फर्स्ट जो है वो सदर्न द मिडलैंड एंड द नॉर्दर्न द कैटर्स, ही एम्प्लॉयड हिज वर्क इन द ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट. सो ये इसका एक हिंट है आपका आंसर का, आप यहाँ से ले सकते हैं. फिर आपका जो सेकेंड यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन था आपका, जो आपका सेकेंड यूनिट है उसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है, ये हमेशा बार बार आता है, मतलब कई बार ये आ चुका है, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन इपिथेलमेनिया एंड प्रोथेलमेनिया. ये एडमंड स्पेंसर का वर्क है, आपको पता है आपकी यूनिट 2 में है. एलैबोरेशन ऑफ एपिथेलमेनिया पोएम, एपिथेलमेनिया का एलैबोरेट करके मतलब डिस्कस करिए, और डिस्कस प्रोथेलमेनिया पोएम बाय स्पेंसर ऑफ प्रोथेलमेनिया. यानी आपको दोनों ही को अच्छे से पढ़ना है, इन कंपैरिजन टू ईच अदर भी पढ़ना है एंड अलग अलग से भी पढ़ना है. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से है. नाउ लेट्स डिस्कस विद द यूनिट 3. तो ये क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, गिव रीज़न बाय टेकिंग अ पोएम एग्जांपल. तो मेटाफिजिकल पोएट्री में आपका जॉन डन है और ये एंड्रयू मार्वल हैं और जॉर्ज हर्बर्ट है शायद, तो आप ये तीन लोग हैं, उनकी कुछ पोएट्री आपको है तो आप उनको ये देखिएगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री की पहले तो सेलियंट फीचर्स या मेन फीचर्स पढ़ के जाइएगा, एंड कोई एक पोएट्री जो आपको अच्छी लग रही है, आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, उसके आप पॉइंट्स के साथ उस पॉइंट्स को डिस्कस कर दीजिएगा. एंड्रयू मार्वल के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2015 में, 2015 में और 2000
16 में भी कई बार आया है, और कभी कभी आ जाता है डिस्कस एनी वन पोएम ऑफ एंड्रयू मार्वेल। तो एंड्रयू मार्वेल की जितनी भी पोएम आपके इसमें है उसमें से एक किसी को डिस्कस करने को आ जाता है। फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री की स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या हैं, तो ये कम कुछ ना कुछ करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ ना कुछ मैच करेगा। स्पेसिफिक क्वालिटीज़ मेटाफिजिकल पोएट्री का मेन फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आसपास के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा फ़र्क होगा। फिर आपका यूनिट 6 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इस तरह से बता रही हूँ क्योंकि कुछ यूनिट्स आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, लेकिन कुछ यूनिट के आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने कुछ कुछ तैयार करके जाएंगे, तो चौसर वाला जो आपका चैप्टर कैंटरबरी टेल्स वो ज़रूर तैयार करके आप जाएंगे, एडमंड स्पेंसर से भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट है जिसमें से बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसे तैयार करके जाएंगे। 6th यूनिट में एमईजी 1 का आपका ये है के रोमांटिक्स वाले क्वेश्चंस में से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, गिव द सेलिएंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री, गिव एग्जांपल ऑफ पोएम्स विच इज़ इन योर कोर्स, फिर राइट फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज, एक ही एक क्वेश्चन ये भी बनाओ, ये 2010 में, 14 में, 15 में, 18 में, 20 में, 19 में, सब में पूछा जाता रहा है, इसी के आसपास क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए रोमांटिक एज नहीं छोड़ के जाना है आपको। एलैबोरेट द क्वालिटी, कोई भी एज है ना अगर आप किसमें, तो आप उसे नहीं छोड़ के जाएंगे, आप एक सेलिएंट फीचर के क्वेश्चन बनते हैं, कोई टाइप ऑफ पोएट्री जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसे नहीं छोड़ेंगे, रोमांटिक पोएट्री के फीचर्स हैं ये आप नहीं छोड़ेंगे, आपको पता भी होना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमए आपको ये हमेशा के लिए भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। एलैबोरेट द क्वालिटीज ऑफ रोमांटिसिज्म और या रोमांटिक पोएट्रीज, फिर है डिस्कस पोएट्री ऑफ रोमांटिक एरा, तो ये आसपास के क्वेश्चंस हैं। फिर आपका 9th यूनिट में है जो क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ के जाएं, उसमें है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर ईस्टर 1960, नो सेकेंड ट्रॉय एंड वेस्ट लैंड, मेरे ख्याल से आपकी दा वेस्ट लैंड होगी या वेस्ट लैंड है, ये वेस्ट लैंड ही है, तो आपको इन तीन पोएट्री का एक वो देना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन देना है, और कभी कभी 1916 और नो सेकेंड ट्राइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती रहती है, जो 1916 है और नो सेकेंड ट्राइज को छोड़ के मत जाइएगा। फिर आपके मैक फ्लेकनॉय से यूनिट 5 से कुछ क्वेश्चन है, जैसे डिस्कस द सटारिकल पोर्ट्रेचर ऑफ मैक फ्लेकनॉय, ये 2014-17 में आया है, 18 में भी आया था, 20 का ये 19 में भी है, डिस्कस ह्यूमर एंड फन इन पोएम ऑफ मैक फ्लेकनॉय, आप एक नोट तैयार करिए इन क्वेश्चंस के बेस पे और उन्हें इतना कम से कम पढ़ के जाइए कि आपको एमईजी में दिक्कत ना हो। डिस्कस व्हाई यू कैन से मैक फ्लेकनॉय इज फुल विद सटायर एंड ह्यूमर, तो ये आपको बहुत आराम से इसके आंसर्स मिलेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटायरिंग डिवाइसेस ऑफ मैक फ्लेकनॉय, इसका भी आंसर आपको आराम से नेट पर मिल जाएगा। फिर आपका है कि अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते आए हैं और वो इंपॉर्टेंट है, मिक्स में बताऊँगी। नेम द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ चौसर्स वोकैबुलरी, हाउ फार ही सोर्स कम टू हिज पोएट्री, तो ये आपका 2011 में आया है। राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ आइदर ऑफ हिज क्वाय मिस्ट्रेस और टिकनेम गार्डन, दो क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने को आते हैं, क्वाय मिस्ट्रेस को भी, द क्वाय मिस्ट्रेस को भी नहीं छोड़ना, हिज क्वाय मिस्ट्रेस को और टिकनेम गार्डन को भी नहीं छोड़ना। अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, तो क्रिटिकल नोट देना जिसमें आप जॉन ड्राइडन को एज अ पोएट बताएंगे। तो अब उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्लेक इज़ द फंक्शन ऑफ पोएट्री, फंक्शन ऑफ पोएट्री बाय ब्लेक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्कस यीट्स डब्ल्यू वी यीट्स यूज़ ऑफ हिस्ट्री इन आइदर ईस्टर 1916 और लेपस लजुली। डिस्कस ब्राउनिंग पोएट्री द लास्ट डचेस, तो ये वर्क जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2011 में आपसे पूछा गया था जून में। फिर आपका कमेंट अपॉन द रेनेसां एलिमेंट इन द पोएट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर, में कैसे आपको एडमंड स्पेंसर की पोएट्री में रेनेसां का फीचर दिखता है उसको टैली कराना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेनेसां क्या होता है, रेनेसां के एलिमेंट होना किसी पोएट्री में का मतलब क्या होता है, कौन से एज का ये फीचर है। फिर आपका डिस्कस मैक फ्लेकनॉय एज अ सटायर, क्यों ये एक सटायर है ये डिस्कस किए, सटायर के क्या फीचर होते हैं और ये क्यों एक सटायर है। डिस्कस कुबला खान एज एन एलिजिकल पोएम, तो क्या इसमें एलिजी के एलिमेंट्स हैं ये आप देखना है, आपको किसके ऊपर सिंबलाइज कर रहा है, क्या उसका मैसेज है, थीम है, सेंट्रल थीम है, ये सब आपको पता होना चाहिए।
कुबला खान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ के जाइएगा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन मतलब आपको उसके बारे में नटशेल में सब कुछ पता होना है। फिर अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड जेमोजेल अटेम्प्ट एनी एनालिसिस ऑफ आइदर एडम कर्स और ईस्टर 1916। तो आप देख रहे हैं ईस्टर 1916 बार बार पूछ रहे हैं, कुबला खान बार बार पूछ रहे हैं, मैक लखनऊ बार बार पूछ रहे हैं, तो ये सारी वो पोएट्री है जो छोड़ के जाने वाली है ही नहीं। डू यू एग्री विद सैमुअल जॉनसन व्यूज पोएट्री आज द आर्ट पोएट्री टीच अस द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको ढूंढना चाहिए और इसके लिए एक नोट बना लीजिएगा। माय सजेशन इज फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि किस पे आता है सबसे ज़्यादा। द जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत आता है। नन प्रीस्ट टेल पे ज़रूर आता है। द एपिथेलमेनिया से एंड द प्रोथेलमेनिया से ज़रूर आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ के जाएंगे। द एक्सटेसी पे आता है, पुली पे आता है, और चॉइस किस में रहती है, एपिथेलमेनिया प्रोथेलमेनिया में, नन प्रीस्टेल पे या तो फिर कैंटरबरी में। अगर चौसर से आएगा तो नन प्रीस्टेल पे एक या तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा या कैंटरबरी से होगा। एपिथेलमेनिया स्पेंसर से आएगा तो एपिथेलमेनिया या प्रोथेलमेनिया में से एक होगा। फिर एक्सटेसी और पुली आ सकता है। एल एलेग्रो और लिसिडियस मिल्टन के इस पे आ सकता है। मैक फेक्नॉय और द एपिस्टल टू डॉक्टर एबनॉद पोप की है, अलेक्जेंडर पोप की, इस पे आ सकता है। द टाइगर ऑफ द लैम्प पे बनता है। द ट्रम्फ ऑफ लाइफ और हरपियन हाइपेरियन पे भी एक बन जाता है। सैडलो पे आ सकता है या फ्रा लिपो लिपी पे आ सकता है, लिपिजी पे। और फिर नाइन्थ है नो सेकेंड ट्रॉय और द वेस्टलैंड, इन दोनों पे में से एक में बनता है। डैडी पे बनता है और आई रिमेंबर पे बनता है। तो ये मैंने आपको ऐसे डाल दिया, इसमें से एक आता है। एक साल जो आया हुआ था दूसरे साल दूसरा आता है, मगर एक साल नन एंड प्री स्टेल आई है तो दूसरे साल फिर प्रोलॉग में से ही आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा। मतलब मैं आपको सिर्फ इतनी सी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक आप पढ़ के जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मुझे क्या आने वाला है और मुझे क्या नहीं छोड़ के जाना। बिकॉज सब कुछ पढ़ना और सब कुछ आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए तो पढ़ सकते हैं, मगर सब कुछ पढ़ करके आप पेपर देना थोड़ा मुश्किल होता है, याद सब कुछ नहीं रहता। वॉट यूज दस चौसर मेक ऑफ द डिवाइस ऑफ पिलग्रिमेज, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा, 2014 में भी आया, कई बार आया। फिर कंपेयर द कंट्रास्ट, ये भी वही बात है, कंपेयर द कंट्रास्ट द एपिथेलमेनिया एंड द प्रोथेलमिया एज अ वेडिंग सॉन्ग। डिस्कस सटायर ऑन मैक लखनऊ। राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ डिजेक्शन एंड ओड, ये देखिए अब डिजेक्शन एक ओड भी आ गया। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द ब्लेस्ड डेमोजेल। फिर आ गया आपका वॉट द थंडर वेस्ट लैंड जस्टिफाइज द पोएम, वॉज द थब वेस्ट लैंड जस्टिफाइज द पोएम। कमेंट द थीम ऑफ डेथ एंड सुसाइड ऑफ सिल्विया प्लाथ। तो ये सिल्विया प्लाथ का एक क्वेश्चन बना आपका, इसको भी देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे सिल्विया प्लाथ के वो हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, सुन लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप डेप्थ में ना जाना चाहें तो आप एक बार अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, एक बार मेरे चैनल पे देख लीजिएगा या और किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, और अपने नोट्स को बना लीजिए, अपने आंसर्स को खुद ही लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आप एक क्लियरिटी के साथ अपने पेपर को दें। फिर आपको मैं बता दूं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द ट्रूथ एंड द सेंटीमेंट डज एन एपिस्टल टू डॉक्टर अभिनाथ एक्सप्लेन, इस पर मेरा वीडियो है बहुत डिटेल में बनाया, देख लीजिएगा। क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द ट्रम्प ऑफ द लाइफ, ये भी नहीं बनाया, ये नहीं बनाया मैंने। फीचर ऑफ आई रेफलाइट्स मोमेंट, और मैंने आपको बताया कि मोमेंट हो, एरा हो, या कोई पोएट्री हो, कोई स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री हो, उसके फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। डिस्कस द वेस्ट लैंड एज अ मॉडर्निस्ट पोएम। चर्च इज़ गोइंग ऑन द चर्च गोइंग इज़ ऑन पोएम थीम, क्या थीम क्या है इसका, ये आपके 2015 में बहुत क्वेश्चन आया है। चौसर्स वर्क मेटाफिजिकल पोएट्री अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट गिसन। और फिर आपका है इवेल्यूएट द ट्रम्फ ऑफ लाइफ इन द लाइट ऑफ ओपनिंग दैट शैली अचीव्स अ सबलाइन। फिर आपका क्वेश्चन है डिस्कस व्यू ऑफ ऑस्कर वाइल्ड, राइट अ क्रिटिक ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स एज अ मॉडर्निस्ट पोएट। फिर 2017-18 में ये क्वेश्चन आया, डिस्कस मिस्टर बी ने अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग शायद मैंने बनाया है, मिस्टर बी ने। तो ये एक बार देख लेगा। अच्छा आपको एक मैं और बताती हूँ तरीका, एमजी जिनका सब्जेक्ट है वो ये समझ जाएँ कि एमजी और या कुछ भी आपका सिलेबस है तो बेटा आपके क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एंड इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस बता रही हूँ,
अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको इंटरनेट पर जा करके अपने एम ए जी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको देख के खुद मार्क कर सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत ना करना चाहें तो आप इस वीडियो से भी जान सकते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, जस्ट ट्राई टू हेल्प। तो एक 2020 में आपका एम ए जी वन में क्वेश्चन जो आया है वो है आइडेंटिफाई द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर द शेयर स्पेंसर करियर एज अ पोएट इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम यू हैव रेड। तो उनकी मैरिज विद एलिजाबेथ बॉयल जो थी उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि वो एक आयरिश लेडी थी और उससे शादी करने के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सॉल्व कराने में इनका बड़ा हाथ रहा और उनकी शादी जो थी एक अच्छा वो था। और फिर उनका कुछ करियर में ग्रोथ भी मिली उससे। फिर उनकी पोएट्री वगैरह को आप देख लेना जो है, इनकी एपिथेलमेनिया प्रोथेलमेनिया एमरती भी है लेकिन शायद वो आपके कोर्स में है नहीं। राइट अ डिटेल नोट ऑन जॉन डन्स पोएटिक जॉन डन्स पोएट्री। तो जॉन डन के स्टेजेस ऑफ पोएट्री हैं। जॉन डन ना कई स्टेजेस में अपनी पोएट्री को मेच्योरिटी तक ले जाते हैं। तो प्लेटोनिक है उनका लव, उनका लव की भी कई स्टेजेस है, वो भी पढ़ के जाना। जॉन डन की पोएट्री आप अच्छे से समझेंगे, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से उनकी पोएट्री ही बहुत अच्छा मेच्योरिटी दिखाती है। व्हाई डू यू थिंक द रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1700 AD इज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन? गिव अ डिटेल आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर सिलेबस। तो यहाँ पर ड्राइडन के बारे में बताया, ड्राइडन एज अ पोएट जो है ना आपका आंसर वही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ड्राइडन। और उस एज में क्या चल रहा था, सटायर चल रहा था, क्या लिखते थे, क्या से होता था, ये आप बताने। जब सेलियन फीचर लिखेंगे ना, जो टाइम का सेलियन फीचर और पोएट्री का सेलियन फीचर जब आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको क्लियर हो जाएंगे। एक्सप्लेन द सेलियन फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, ये आपको पता है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोमांटिक। तो रोमांटिक एज अ मोमेंट और रोमांटिक एज अ पोएट्री आप दोनों जानना चाहिए। जो बड़े आर से जब हम लिखते हैं ना रोमांटिसिज्म या रोमांटिक, तो आप एज की बात करो। जब स्मॉल आर से लिख रहे होते हैं ना तो फिर हम उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। अटेम अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ एनी वन, इसमें से क्रिटिकल अप्रिसिएशन किसी का भी दे सकते हैं, यानी कि ये सारी इंपॉर्टेंट है। लंडन, द सिक रोज, अ हाइपेरियन, अ फ्रैगमेंट, द ट्रायंफ ऑफ लाइफ, ये तो सारी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये 2020 में आ चुकी हैं तो आप एक काम करिएगा, आप ये देखिएगा कि ये 2020 में आ चुकी हैं तो 2021